यूँ तो स्वामी विवेकानंद के पहले बहुत से संत महात्मा US में गए थे, किंतु स्वामी विवेकानंद का वो भाषण अविस्मरणीय हो गया, जिसकी गूंज आज तक शिकागो से समूचे विश्व में सुनाई दे रही है। प्रथम दो शब्द बोलते ही हॉल में लगातार 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। यह एक आत्मिक संबोधन था। भारत का अध्यात्म एकात्मता और विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर संपूर्ण विश्व को एकात्मता के सूत्र में पिरोने की कोशिश में है, आज भी रहेगा कल भी। ऐसा क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के शुरुआती 2 शब्दों में? बस उन्होंने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समूचे भाषण का हिंदी तर्जुमा आपके सामने प्रस्तुत है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इस पॉडकास्ट को सुनने का निर्णय लिया। तो सुनिए, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इज़राइल की वो पवित्र यादें सजो रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया है और जिसे रोज़ करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले अलग अलग हों, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन में, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इससे भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है
और कितनी ही बार धरती खून से लाल हो चुकी है, ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और जाने कितने देश मिटा दिए गए हैं। यह खौफनाक राक्षस नहीं तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया भाषण। यह भाषण सोशल मीडिया और गूगल पर सर्च करने पर प्राप्त हो जाएगा। यह भाषण आज की स्थिति को देखकर और आने वाली पीढ़ी के लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद श्रोताओं।